स्वागत है दोस्तों चेक पॉइंट फायरवॉल सीरीज के लेक्चर नंबर 6 पे। और जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बात कही थी कि हम पहले चेक पॉइंट के बेसिक टूल्स के बारे में जानेंगे। हमने पिछले लेक्चर में जाना था स्मार्ट व्यू ट्रैकर के साथ कैसे वर्क किया जाता है, स्मार्ट व्यू ट्रैकर हमें क्या प्रोवाइड कराता है, कैसे एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को अगर ट्रबल शूट करना हो तो स्मार्ट व्यू ट्रैकर का यूज किया जाता है। तो अभी हम जानेंगे स्मार्ट व्यू मॉनिटर के बारे में, लेकिन ट्रैकर में मैं एक चीज मिस कर गया आप लोगों को बताना, वो मैं इस लेक्चर में कवर करना चाहूंगा। मैं ले चलता हूँ आपको पहले स्मार्ट व्यू ट्रैकर में, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे स्मार्ट व्यू मॉनिटर के लिए अपने लेक्चर नंबर 6 पे। मैं एक बार स्मार्ट व्यू ट्रैकर पहले ओपन कर लेता हूँ। ओके, दोस्तों स्मार्ट व्यू ट्रैकर आपके सामने ओपन है। दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जब भी ट्रबल शूटिंग करते हैं, लेट सपोज कि कोई जैक नाम का कोई पर्सन है जो जिसका आईपी 172.16.2.120 है, वो उसका अगर हमें ट्रैफिक चेक करना हो अपने ट्रैकर में कि इस आईपी से हमें क्या क्या लॉग मिल रहे हैं, तो दोस्तों इसके लिए कैसे फिल्टर करते हैं मैं इस बारे में जानकारी देना चाहूंगा। आप सोर्स पे जाके यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। सबसे पहले सोर्स में जाके, सोर्स बेस अगर हमें फिल्टर करना है, किसी सोर्स आईपी को हमें फिल्टर करना है तो हम सोर्स में जाएंगे। अगर डेस्टिनेशन आईपी को फिल्टर करना है तो डेस्टिनेशन में, और अगर हमें किसी सर्विस के लिए फिल्टर लगाना है या तीनों के लिए एक साथ फिल्टर लगाना है तो हम ऐसे लगा सकते हैं। लेट सपोज कि मेरे को अगर जैक की बात करनी है और जैक का सोर्स है 172.16.2.120, लेट सपोज मुझे डेस्टिनेशन कुछ चेक करना है और मुझे चेक करना है कि वो इस सर्विस पे ड्रॉप हो रहा है, वो जैक की शिकायत है कि वो 443 पोर्ट को एक्सेस कर रहा है अपने आईपी से इस डेस्टिनेशन के लिए, बट वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो हम फिल्टर यूज कर सकते हैं एज ए सोर्स जैक का आईपी, डेस्टिनेशन जिस डेस्टिनेशन को जैक एक्सेस करना चाहता है, और सर्विस पोर्ट के भी यहाँ पे। तो एग्जाम्पल लेते हैं और करते हैं। मैं सोर्स में जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, एडिट फिल्टर। लेट सपोज मैं जैक का आईपी यहाँ पे डालता हूँ, एंटर करता हूँ। मैंने ऐड किया। जस्ट वेट। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये रहा। अभी मुझे जितने भी सोर्स आईपी जो भी मिलेगा वो उस आईपी से मिलेगा। एक मिनट, ये क्या शो कर रहा है? मैंने फिल्टर करेक्ट तो यूज किया है। इक्वल कंटेन। मैं बात करूं, अगर मैं फिल्टर को हटा दूं, आई थिंक डेमो मोड पे ये फिल्टर नहीं करता इस तरीके से। अगर मैं फिल्टर लगाता हूँ, ये रहा। कॉपी एंड देन सोर्स एडिट। डेमो मोड पे फिल्टर आई थिंक यूज नहीं करता है। मैं अपने जो रियल जो हमने लैब सेटअप किया उस पे मैं ये लैब करके आपको शो करता हूँ। मैं वीडियो पॉज करने जा रहा हूँ, देन मैं आपको शो करूंगा कैसे किया जाता है। हम अपने लैब पे वापस आ गए हैं। मैं अब सोर्स लगाता हूँ अपने पीसी का आईपी 192.168.1.3, मैंने ऐड किया। अब मुझे ओनली इस सोर्स आईपी के लॉग देखने, तो देख सकते हैं आप डेमो मोड पे ये आ नहीं रहा था। लाइव जब आप लैब सेटअप करेंगे तो आपके लाइव एनवायरमेंट पर आप ऐसे फिल्टर कर सकते हैं। अब मैं आपको शो करता हूँ, मैंने सोर्स ये एंटर किया, डेस्टिनेशन लेट सपोज मैं एंटर करता हूँ कोई पब्लिक आईपी 161.156.1.2.2। मैंने ये पब्लिक आईपी ऐड किया, ये किसी क्लाइंट का पब्लिक आईपी था। अभी इसके लॉग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये आईपी पे मैंने हिट ही नहीं किया है। मैं अब हिट करता हूँ। ऑब्वियसली बात है हमारा ये पैकेट ड्रॉप होगा क्योंकि
ये पब्लिक आईपी हमने किसी भी इंटरफेस में कॉन्फ़िगर नहीं किया है और ना ही हमने किसी वीपीएन के थ्रू इस पब्लिक आईपी से हमारा कोई लेना देना है, बट हम टेस्टिंग के लिए कि हमें ट्रैकर पे क्या शो करता है, हम कैसे ट्रबल शूट करते हैं, हम इस आईपी को लेते हैं। ओके एंड मैं 443 पे करता हूँ। ओके सो हम यहाँ पे पिंग करने के बाद यहाँ पे पोर्ट नंबर दे रहे थे जो कि गलत था, पिंग के साथ कभी हम सर्विस नहीं दे सकते, वो टेलनेट के साथ आता है। सो पहले हम पिंग करते हैं, पिंग का हमें लॉग दिखाई देना चाहिए। ये मैंने अभी एचटीटीपी को टेलनेट किया था तो उसका लॉग हमें दिखा रहा था। ओके सो आईसीएमपी लॉग हमें शो करना चाहिए यहाँ पे। ये रहा, तो अभी हमने सोर्स और डेस्टिनेशन के बिहाफ पे फिल्टर किया था, तो हमारा ये ड्रॉप इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डेस्टिनेशन हमने कभी अलाउ किया नहीं है और ये डेस्टिनेशन हमारे नेटवर्क से इसका कोई लेना देना है नहीं अभी क्योंकि ये पब्लिक है। सो ये जस्ट टेस्टिंग के लिए था। अब अगर मुझे और भी फिल्टर करना है इसमें कि मुझे एचटीटीपी सर्विस या मैं चाहता हूँ 445 को भी फिल्टर किया जाए कि मैं चेक करना चाहता हूँ 445 पे मुझे क्या इस सोर्स इस डेस्टिनेशन के लिए 445 के लिए कोई हिट मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे 445 ऐड कर देता हूँ। ओके देन 445 हमने हिट किया और ये रहा आपका ड्रॉप हो रहा है और ये इस डेस्टिनेशन के लिए ये इनबाउंड कनेक्शन सारा कुछ यहाँ पे। सो दोस्तों ये ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारा स्मार्ट व्यू ट्रैकर। और यहाँ पे जो ये ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेटिकली रिफ्रेश, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जितने भी न्यू लॉग्स आपके ट्रैकर पर आएंगे उनको फर्स्ट शो करता है। और इसके अलावा अगर आपको फिल्टर लगाना है डेट वाइज कि मुझे इतने डेट पे इतने टाइम पे यहाँ पे फिल्टर लगेगा ओरिजिन इस गेटवे से मुझे ट्रैकर, तो इस टाइप से आप फिल्टर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है आपको फिल्टर करने के लिए ट्रैफिक को। सो ये स्मार्ट व्यू पे मैं स्मार्ट व्यू ट्रैकर पे मैं बताना पिछले स्लाइड में भूल गया था, सो मैंने अभी स्लाइड में कवर किया है। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर मुझे जरूरत पड़ी मैं दोबारा लेक्चर अपलोड करूंगा क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जब भी मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ कुछ नेम गलत प्रोनंशिएट हो जाते हैं, लाइक कई बार ऐसा होता है। सो उन चीजों को इग्नोर करते हुए अगर उसके अलावा अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। सो अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। ओके सो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्मार्ट व्यू मॉनिटर के बारे में। स्मार्ट व्यू मॉनिटर में को ज्यादा समझने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि काफी इजी है स्मार्ट व्यू मॉनिटर को देखना समझना। इसमें एक रूल आता है सेम रूल, सस्पिशियस एक्टिविटी रूल समथिंग, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंसनेस को हम समझेंगे एंड ओनली स्मार्ट व्यू मॉनिटर हमें इस लेक्चर में कवर करना है। सो चलते हैं अपने लेक्चर में। सो दोस्तों स्मार्ट व्यू मॉनिटर ऑन करने के लिए हम सबसे पहले जाते हैं स्मार्ट कंसोल में। स्मार्ट कंसोल में हमने स्मार्ट व्यू मॉनिटर को सिलेक्ट करना है, इसको कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करके भी हम ओपन कर सकते हैं। यहां से मैंने स्मार्ट व्यू मॉनिटर को ओपन किया। ओके सो एक दिन में मेरा ये लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, सो मेरे को दोबारा से लैब सेटअप करनी पड़ेगी आगे के लेक्चर अपलोड करने के लिए। ओके सो अभी हमारे करंट लैब के अकॉर्डिंग हमारे पास एक मैनेजमेंट सर्वर है और एक गेटवे है। सो अगर हम बात करते हैं गेटवे की तो उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे 192.168.1.2 शो करेगा, मैनेजमेंट का 1.1 जो कि हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। स्टेटस ओके शो कर रहा है, ओके का मतलब है कि अभी हमारा मैनेजमेंट और फायरवॉल दोनों गुड कंडीशन में है, अभी कोई भी प्रॉब्लम हमारे गेटवे और मैनेजमेंट में नहीं है। अगर प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे तीन स्टेटस आते हैं, नंबर एक आपका ओके, ओके का मतलब होता है कि आपका सब कुछ फाइन है गेटवे वगैरह जहां पे भी ओके आएगा। सेकेंड आपका आता है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब कि कोई लाइसेंस मिसिंग है, कोई इंटरफेस डाउन है या कुछ ऐसा। थर्ड आता है डिस्कनेक्टेड, आपका डिस्कनेक्टेड का मतलब है कि वो आपके नेटवर्क से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो चुका है, उसमें काफी सीरियस प्रॉब्लम है, सो वो वर्क नहीं कर रहा है। सो ये तीन चीजें आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती हैं।
उसके अलावा एक्टिव वर्चुअल मेमोरी ये चेंज होते रहती है आपकी वर्चुअल मेमोरी डिस्क फ्री, और ये आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन कभी कभी 100 भी चला जाता है जब आपका यूटिलाइजेशन हाई रहता है सीपीयू का। ओके, और उसके अलावा वर्जन, करंटली आपका कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, यहाँ पे हम R77.10 यूज कर रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पे मैनेजमेंट को सेलेक्ट करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन ये नीचे पे दिखाएगा आपको, ये मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखा रहा है। सो हम एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं टॉप टू डाउन की तरफ। सो सबसे पहले हम गेटवे सेलेक्ट करते हैं। ओके, देन मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। ओके, आईपी एड्रेस हो गया, आपका वर्जन, गाया कर्नेल वर्जन आपका क्या यूज हो रहा है, और कितने टाइम से आपका ये गेटवे अप है। सो लाइव एनवायरनमेंट में कंपनी में कई बार 2 ईयर 3 ईयर से अप दिखाता है, क्योंकि उसे कभी रिबूट नहीं हुआ रहता है वो उससे पहले। अगर जैसे ही रिबूट होगा तो फिर वो उसका टाइम वहां से काउंट हो जाता है। सो सिस्टम इंफॉर्मेशन में चलते हैं। सिस्टम इंफॉर्मेशन में दोस्तों ये इसके 2 CPU होते हैं, उनका यूटिलाइजेशन और उनकी परसेंटाइल कितना यूज हो रहा है, ये सब कुछ दिखाएगा। कर्नेल का यूटिलाइजेशन, टोटल डिस्क स्पेस आपका, स्लैश बूट में कितना स्पेस है, वायर स्लैश लॉग में कितना है, ये आपका रूल क्रिएट करने के लिए, पॉलिसी के लिए फ्री स्पेस। ओके, सो वर्चुअल मेमोरी कितनी है, एक्टिव वर्चुअल मेमोरी। ओके, उसके अलावा हार्डवेयर सेंसर यहाँ पे दिखा नहीं रहा क्योंकि सिंगल गेटवे है। ओके, सो अब अगर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे कितने क्लाइंट आपके डैशबोर्ड के साथ कनेक्टेड हैं वो शो करेगा यहाँ पे, और ओके सो कौन कौन कनेक्ट हुआ था और क्या एक्सेस उसको है, कब वो कनेक्ट हुआ था, ये डेट टाइम यहाँ पे शो करेगा। और इसके अलावा ये बाकी जो ट्रैफिक के कंपोनेंट्स हैं, बाकी ये कंपोनेंट सारे हम डेमो मोड पे कवर करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें हमें ये सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। सो हम इन्हें इसे डेमो मोड में समझेंगे। बहरहाल ये चीजें हमारे समझ में आ चुकी हैं। अब हम चलते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज है हमारा सैम रूल के बारे में, जो कि स्मार्ट व्यू ट्रैकर में काफी यूज होता है। दोस्तों सैम वो रूल होता है, जब भी अगर आपको रिमेम्बर हो, याद हो, तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने चेक पॉइंट का पैकेट फ्लो बताया था। तो उसमें मैंने सबसे पहले बताया था कि जब भी कोई पैकेट हमारी चेक पॉइंट फायरवॉल को रिसीव होता है तो सबसे पहले सैम डेटाबेस चेक करता है। तो ये जो रूल हम क्रिएट करते हैं इसे ही सैम रूल कहा जाता है, और ये जिस डेटाबेस में स्टोर होता है उसे सेम डेटाबेस कहा जाता है। सो दोस्तों जब भी ये, लेट सपोज ये आपका फायरवॉल है, आपको बाहर से जब भी काफी ज्यादा अटैक आते हैं, आईपी स्पूफिंग अटैक, डीडॉस अटैक आते हैं, और आपके फायरवॉल को पता चलता है कि मुझे इस आईपी से हिट आ रहा है, कंटिन्यूस हिट आ रहा है, और ये मैलिशियस एक्टिविटी कर रहा है, और आपको उसे सडनली ब्लॉक करना है, तो अगर हम बात करें कि हम उसे स्मार्ट ट्रैकर में यहाँ पे ब्लॉक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो एटलीस्ट 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम आपको लग जाता है, क्योंकि ये काफी स्लो पॉलिसी पुश करता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए चेक पॉइंट ने एक सॉल्यूशन दिया, सैम रूल। इसको यहाँ पे हम जाके ट्रैकर में, इसका फुल फॉर्म है सस्पिशियस एक्टिविटी रूल। ओके, सो ये क्या करता है कि मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। ओके, ये आपके इंटरफेस से पहले एक रूल क्रिएट कर देता है, या हम ये कहें कि इंटरफेस पे एक रूल क्रिएट करता है जिसे हम सैम रूल कहते हैं, और वो हम अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं। हम इस आईपी के लिए जो साइबर अटैक कर रहा था, इस आईपी के लिए ड्रॉप का रूल हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओनली ड्रॉप का रूल यहाँ पे क्रिएट होगा, और बाकी कोई रूल यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि ये स्पेशली डेडिकेटेड बना हुआ है आपके साइबर अटैक को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको डे टू डे आपको एक रिपोर्ट आती है, मैलिशियस आईपी की रिपोर्ट आती है कि ये आईपी से हमें हिट मिल रहे हैं और मैलिशियस एक्टिविटी के हिट मिल रहे हैं, हमें इसे ब्लॉक करना है, तो आप डे टू डे अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो इसे भी आप सेम डेटाबेस में डे टू डे ब्लॉक कर सकते हैं। सेम डेटाबेस में इसलिए ब्लॉक करना चाहेंगे क्योंकि इससे आपका फायरवॉल का यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज होगा। अगर आप उसे रूल के अंदर, यहाँ पे आप रूल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर अगर आप ब्लॉक करते हैं यहाँ पे कोई भी रूल क्रिएट करके, लेट सपोज मैं रूल ऐड करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लेट सपोज वो 6
मैं एक मेलिशियस आईपी ऐड करता हूँ. लेट सपोज मेलिशियस आईपी है 2.2.2.2. ओके, मान लो मुझे इस आईपी से मेलिशियस अटैक मिल रहा है. ओके, ये मुझे रिपोर्ट में मिला, मुझे मेल में मिला कि मुझे इस आईपी को ब्लॉक करना है, और मैंने डेस्टिनेशन एनी के लिए मैंने ड्रॉप का रूल बना दिया. ओके, और फाइनली मैंने ये बना दिया. लेकिन अगर आप पैकेट फ्लो अगर चेक पॉइंट का देखते हैं, तो सबसे पहले वो आपका सेम रूल चेक करता है, सेम डेटाबेस चेक करता है, फिर आपका एंटी स्पूफिंग चेक करता है, उसके बाद एग्जिस्टिंग कनेक्शन चेक करता है कि कोई कनेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है, एंड देन आपका रूल चेक करता है. तो आपको इन तीनों, ये उस पैकेट को इन तीनों प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है. तो इन चीजों को सेव करने के लिए आप उसे सैम पे अगर ब्लॉक कर देते हैं आईपीस को, तो ये ज्यादा बेटर सॉल्यूशन है. बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, सैम रूल कैसे काम करता है इसका लैब करते हैं. सो देखते हैं. सो मैं करता हूं अपने अपने पीसी से पहले रिमोट पीसी को पिंग 172.168.1.1. ओके, मेरा पिंग आ रहा है, ठीक है. सो अभी मैं क्या करता हूं, मैं इस आईपी को ट्रैकर भी ओपन कर लेता हूं पैरेलली. अभी मेरा ट्रैफिक पास हो रहा है. अब मैं इसको सैम रूल के थ्रू ब्लॉक करता हूं, और वो कैसे ब्लॉक किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ, और ट्रैकर में उसका लॉक क्या दिखाता है मुझे जब भी वो ब्लॉक करता है सेम रूल से, उसे हम देखेंगे ट्रैकर में. सो मैं सेम रूल क्रिएट करता हूँ. मैं सबसे पहले फाइल में कि टूल में जाते हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी रूल में. ओके, सो ऑन ऑल चेक पॉइंट में यहाँ पे ये जितने भी आपके सिक्योरिटी गेटवेज हैं सारे पे अप्लाई कर देता है. अगर आप शो ऑन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे मैनुअली सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि आप सिंगल इस गेटवे पे ऐड कर सकते हैं, या किसी आपके नेटवर्क में अगर 10 या 15 गेटवे हैं तो आपको जिस गेटवे पे उसे ब्लॉक करना है आप वहां पे ब्लॉक कर सकते हैं. अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो वो सभी पे ये रूल अप्लाई आपका हो जाएगा. सो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, मैं ऐड करता हूँ. यहाँ पे भी ये पूछ रहा है अप्लाई ऑन ऑल सिक्योरिटी गेटवे, या तो आइदर आप इसे सिलेक्ट कीजिए, या फिर आप पर्टिकुलर किसी गेटवे पे करना चाहते हैं तो फिर आप इसे सिलेक्ट कीजिए. सोर्स अगर आपका आईपी है तो आईपी सिलेक्ट कीजिए, अगर आपको पूरे नेटवर्क के लिए ब्लॉक करना है तो नेटवर्क कीजिए. एड्रेस एनी की जगह मैं अब अपने पीसी का आईपी डालता हूँ 192.168.1.3. इससे पहले दोस्तों हमारा पिंग आ रहा था, मैं दोबारा शो कर देता हूँ, ये पिंग आ रहा था. आई होप मेरा पिंग आना बंद हो जाना चाहिए सैम रूल तुरंत अप्लाई करते ही. ओके, डेस्टिनेशन एड्रेस में आपका अपना रिमोट एड्रेस 172.168.1.1. सर्विस आप किसी सर्विस के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं या सारे सर्विस के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है. आप कितने देर के लिए इसे बंद करना चाहते हैं, नेक्स्ट 10 मिनट के लिए, नेक्स्ट आवर के लिए, नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए, या कभी नेवर, यानी इसे आप परमानेंट ब्लॉक करना चाहते हैं. तो मैं 10 मिनट के लिए कर देता हूँ. आइदर आप यहाँ पे डेट वाइज भी इसे ब्लॉक कर सकते हैं. सो मैं ये फाइनल आपके सामने ऑप्शन है. आपका एक्शन क्या होगा, ड्रॉप होगा या रिजेक्ट होगा या नोटिफाई करना है आपको, ये आप पे डिपेंड करता है. मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ. लॉक ट्रैक करना चाहते हैं या नो लॉक ट्रैक करना चाहते हैं. अगर नो लॉक करूंगा तो इसका स्मार्ट व्यू ट्रैकर में आपको कोई भी लॉक शो नहीं करेगा. अगर अलर्ट करता हूँ तो ये एज ए अलर्ट के तौर पर मुझे स्मार्ट व्यू ट्रैकर में शो करेगा. तो मैं इसे लॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ. ओके, अब मैं इसे इन्फोर्स करता हूँ और ये अप्लाई हो चुका है. और अब मैं पिंग करके देखता हूँ. हो, सो मेरा पिंग तुरंत बंद हो गया है. और अगर यही रूल मैं क्रिएट करता आपके स्मार्ट डैशबोर्ड पे तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट का टाइम तो लगता पॉलिसी को पुश करने में, देन पैकेट को ब्लॉक करने में. सो अगर हमें कभी भी अगर किसी भी पर्टिकुलर आईपी या किसी नेटवर्क को ब्लॉक करना हो एकदम इंस्टेंट, तो हम सैम रूल का यूज करेंगे. अब मैं इसका लॉग आपको दिखाता हूं. ओके ओके, ये रहा.
ये नहीं है। ओके सो ये रहा लॉग आपके सामने में। ये 12:57 पे हमने पिंग किया था, और ये हमारे पीसी का आईपी है, और ये रिमोट पीसी का आईपी, और आईसीएमपी ड्रॉप यहाँ पर शो कर रहा है। अब हम इसे अंदर ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैसेज में आया है कि ये जो आपका ड्रॉप हो रहा है ये सैम रूल के थ्रू हो रहा है। क्योंकि ये सैम रूल के थ्रू ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे ना तो आपको रूल नंबर दिखाई देगा और ना ही किस पॉलिसी, स्टैंडर्ड पॉलिसी के किस रूल यूआईडी से वो ड्रॉप हुआ है ये दिखाएगा। सो जो सैम रूल हमारा होता है, ये इम्प्लाइड रूल के तौर पे काम करता है यहाँ पे। सो ये आपका सैम रूल है। सो सैम रूल के थ्रू हमारा यहाँ पे पैकेट ड्रॉप शो कर रहा है। सो स्मार्ट व्यू मॉनिटर में सैम रूल के बारे में आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। और ओके सो अभी हम स्मार्ट व्यू मॉनिटर में बाकी कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। सो अब हम डेमो मोड पे आ जाते हैं, ताकि डेमो मोड पे हमें ज्यादा बेटर समझ में आ जाए। सो डेमो मोड मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। सो डेमो मोड पे आप गेटवे देख सकते हैं, आपके आप हर चीज समझ में आएगी। जो मैंने बताया था कि ओके शो करता है, डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम, और एक और चीज था अटेंशन। अटेंशन में आपको शो करता है कि आपका फायरवॉल जो है क्रिटिकल कंडीशन में है। सो आप उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको देख लीजिए। ओके अटेंशन में अगर क्लिक करते हैं तो अटेंशन क्यों दिखा रहा है, वो बताना चाहता है कि क्यूएस में प्रॉब्लम है। आप क्यूएस में क्या प्रॉब्लम है, वार्निंग द क्यूएस पॉलिसी इज नॉट इंस्टॉल ऑन रिमोट 5 गेटवे। सो छोटी मोटी प्रॉब्लम में वो अटेंशन दिखाएगा। प्रॉब्लम में क्या दिखाता है, जैसे लेट सपोज यहाँ पे देखते हैं, द सिक्योरिटी पॉलिसी इज नॉट इंस्टॉल ऑन 3 गेटवे, ये यहाँ पे इसने एरर के तौर पर दिखा दिया। ओके और डिस्कनेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि कनेक्शन विद रिमोट टू गेटवे इज लॉस्ट। हो सकता है कि सिक जो है वो फेल हो गया हो मैनेजमेंट के साथ, तो डिस्कनेक्ट आ जाता है यहाँ पे जब भी आपका सिक फेल होता है या आपका फेल ओवर डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो इस तरीके से यहाँ पे आपको स्टेटस शो करता है। उसके बाद हम चलते हैं ये ऑल गेटवे। ट्रैफिक के बारे में अगर जानकारी दें तो टॉप सर्विस अगर आपको चेक करनी है तो आप किसी भी गेटवे, लेट सपोज मेरे को रिमोट 2 की टॉप सर्विस चेक करनी है कि कौन सी टॉप सर्विस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे HTTP और FTP, HTTPS, CPMI, इसका ट्रैफिक कितना जा रहा है, AOL। सो ये ट्रैफिक टॉप इंटरफेस अगर आपको देखने हैं तो लेट सपोज मुझे रिमोट 1 के टॉप इंटरफेस देखने हैं, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ टॉप इंटरफेस। टॉप इंटरफेस वो इंटरफेस जिनमें से ट्रैफिक ज्यादा इन और आउट हो रहा है। सो कभी कभी आपका यूटिलाइजेशन किसी इंटरफेस का हाई हो जाता है, या आपके नेटवर्क में कोई भी यूटिलाइजेशन आपके फायरवॉल का हाई होता है, तो आप देख सकते हैं कि किस इंटरफेस से ट्रैफिक इन आउट ज्यादा हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टॉप डेस्टिनेशन आपके क्या है, लेट सपोज मैं रिमोट 1 का देखता हूँ, तो ये आपके टॉप डेस्टिनेशन ये रहे। लेट सपोज आपके नेटवर्क पर गूगल ज्यादा यूज हो रहा है, तो यहाँ पे गूगल आ जाएगा, ये आपके टॉप डेस्टिनेशन है। सो इसी तरह से आप बाकी चीजें देख सकते हैं। अगर अगर हम टनल की बात करते हैं तो ये आपके टनल बने हुए हैं, वीपीएन टनल। सो यहाँ पे जैसे ये दिखा रहा है, जो रेड कलर में दिखा रहा है, ये डिस्ट्रॉयड दिखा रहा है कि आपका वीपीएन टनल अभी डिस्कनेक्ट हो चुका है। ये अप दिखा रहा है फेज 1 यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि अभी आपका फेज 1 जो है अप है यहाँ पे। सो ये है आपका टनल जो आपने उसको नेम दिया है, और ये क्लस्टर 1 से जो है रिमोट 1 गेटवे की तरफ बना है। आपका टनल कहाँ से किधर की तरफ बना है वो यहाँ पे डिटेल दिखाएगा। स्टेट यहाँ पे दिखाएगा डिस्ट्रॉय अप या जो भी इनिशिएट अप, फेज 1 अप है अभी, ये कंप्लीट अप है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है, ये अभी आपका डाउन है, ये इडल है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाएगा। कम्युनिटी आपके किस कम्युनिटी से ये आपके वीपीएन कनेक्टेड है, माई इंटरनेट से है या रिमोट कम्युनिटी से है, वो आपने जो भी अपने कम्युनिटी अपने वीपीएन के लिए डिफाइन किया होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। और आपकी टनल परमानेंट टाइप है या जो भी है आप, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। सो अगर वीपीएन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कुछ मैंने कुछ लेक्चर अपलोड्स किए हुए हैं बेसिक वीपीएन से रिलेटेड, आप उनके थ्रू गो आप उनके उनको एक बार देख लीजिएगा, सो आपके समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा यूजर के बारे में अगर आपको देखना है, ऑल यूजर कितने यूजर आपके नेटवर्क से अभी करंटली कनेक्टेड हैं, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप यहां से देख सकते हैं। या आपके वीपीएन से कितने यूजर कनेक्टेड हैं आउटसाइड से आपके नेटवर्क में, रिमोट टू गेटवे से इस आईपी से ये कनेक्टेड है और यूजर का नेम ये है। सो रिमोट एक्सेस वीपीएन, जब भी आप घर बैठे आपके कंपनी का कोई भी यूजर
आपके नेटवर्क से कनेक्टेड होता है रिमोट एक्सेस वीपीएन के थ्रू, तो उसके भी लॉग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ओके सो दोस्तों, स्मार्ट व्यू मॉनिटर में इतना ही है, और बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि स्मार्ट व्यू मॉनिटर में आई थिंक इससे ज्यादा कुछ है नहीं आउटसाइड, सारा कुछ यहाँ पे कवर हो गया। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने फायरवॉल के साथ कितना खेलते हैं, कितना प्ले करते हैं उसके साथ, क्योंकि मैं इसे प्ले ही कहूंगा, क्योंकि मजा तो तभी आता है जब आप एज ए प्ले इसको यूज करेंगे। ओके सो वट एवर यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी एंड यू कैन कमेंट मी, सो डेफिनेटली आई विल बी देयर। सो आप बस कमेंट कीजिएगा कोई भी इश्यू आने पे। ओके थैंक यू।